नमस्कार दोस्तों, मैं राजन इलेक्ट्रॉनिक्स से निशांत बात कर रहा हूँ। आज मेरे पास ये HP का ब्रांडेड बोर्ड रिपेयर होने आया था, i3 टेंथ जनरेशन लेटेस्ट बोर्ड, प्रोसेसर लग रहा है इसमें लेटेस्ट जनरेशन का। ये बोर्ड है टेंथ जनरेशन का, ये इसकी PCI चिप है। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास जब ये आया तो ये भी डेड कंडीशन में था। अभी क्या है, जब इसको चेक किया गया तो इसका ये MOSFET ये शॉर्ट था, ये इसमें 1, 2, 3, 4 और एक ये पांच बक्स सर्किट लगे हैं 1.2 कोर वोल्टेज के लिए। ये एक फर्स्ट MOSFET, 2 इसके सपोर्टिंग MOSFET, ये बक्स सर्किट बना हुआ है इसका पूरा। एक बक्स सर्किट ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये है। ये सब 1.2 बना रहे हैं। अभी क्या है, जब मेरे पास ये आया तो ये डेड कंडीशन में था, तो जब मैंने चेक किया तो इसका ये MOSFET शॉर्ट था। मैंने MOSFET हटाया, दूसरा लगाया, फिर भी ये काम नहीं करा। बोर्ड अपना फैन स्विंग हुआ पर कोर नहीं बनी तो डिस्प्ले नहीं आ रही थी इसमें, फैन भी बहुत हल्का स्विंग कर रहा था। अभी फिर क्या है, जब इसको बारीकी से चेक किया गया तो ये छोटी छोटी बहुत 8 पिन की PWM सी लग रही है, 1, 2, 3, 4 और इधर एक इसके लिए लग रही है वो 5। ठीक, ये 5 PWM उनके ये MOSFET बक सर्किट बना हुआ है। ये तो क्या कहते हैं, कोई सी भी कोर नहीं बन रही, ये इसकी VRM की IC लग रही है जो इनको कंट्रोल करती है, इनके PWM को इनको फीडबैक देती है, ये इसको PWM देती है और ये आपकी क्या है, इन MOSFETों को कंट्रोल करती हैं, फिर ये फीडबैक देती हैं IC या इस IC को। तो ये जब बारीकी से चेक किया गया तो इसकी ये IC शॉर्ट थी, 1, 2, 3, ये 3 ओके थी, 4 ओके थी। अभी क्या है, ये ब्रांडेड बोर्ड है तो मार्केट में IC नहीं मिलेगी, ना मेरे पे कोई स्क्रैप था, तो मैंने इस सेक्शन को जो है इस सेक्शन को कट करके इसका काम ख़त्म कर दिया। अभी जो बोर्ड है 1, 2, 3 और ये 4 इन कोर वोल्टेजों पर रन कर रहा है, अभी ये सेक्शन वर्क नहीं कर रहा, तो उसके हटाने की IC के हटाते ही मेरा बोर्ड पूरा चालू हो गया और ये डिस्प्ले भी आ गई है इसकी। ये इसका इसकी पावर सप्लाई है। थैंक यू।